अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद कदीर अरफानी ऑटो लाहौर से। ये भाई मेरे पास लेके आए हैं गाड़ी। ये भाई गाड़ी लेके आए हैं, ये ना ब्लैक स्मोक छोड़ी बहुत ज़्यादा। ये गाड़ी सारे ये देखें, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक दे रही है, फ्यूल ज़्यादा खा रही है। पहले भी इन्होंने कारपेट करवाया है, मेरी वीडियो देख के आए हैं, तो इंशाल्लाह इनकी गाड़ी सेट करके देंगे अल्लाह ताला की मेहरबानी से, तो सारे फाल निकालेंगे। पेट्रोल बहुत ज़्यादा, प्लग भी ब्लैक आ रही है। ओके, खोलते हैं गाड़ी। मेरा नाम है हैदरवीर ऑफिशियल और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये मैं भाई से गाड़ी सीख रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने बड़ा अच्छा काम किया। आप ही भाई के पास आए, ठीक है। हैदरवीर ऑफिशियल मेरे चैनल का नाम है, और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। इनका मैंने कारपेट खोली, ये पहले भी सारा सर्विस करवाया इन्होंने। तो नाम ले रहे हैं बंदे का, क्या नाम था इसका? हाजी भी है समनाबाद। इतना ज़्यादा ब्लैक हो गया अंदर से कारपेट जा रहे हैं, धुआं ब्लैक बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। ये वाला इनका वैक्यूम, ये वाला ख़राब है, ये वैक्यूम ख़राब है। ये मिक्सर भी फुल बंद था, फुल टाइट था, गाड़ी मिक्सर काम नहीं कर रहा था। ये इसकी टिक्कियाँ भी बेस की नीचे की नई लगी हुई हैं, लेकिन गाड़ी का पिकअप भी नहीं था, डीप ले रही थी, झटका ले रही थी, गियर चेंज करें, थोड़ा सा डीप कर रही थी, यानी कि झटका हल्का सा ले रही थी। सारा कंप्लीट मैंने खोला, कह रहे हैं पहले बंदे ने पूरा खोला नहीं। ये करते हैं इसकी सर्विस, ये देखें, ये इसके प्लगों की हालत देखें आप, ना फुल ब्लैक प्लग हैं। काफ़ी काम कुम करवाते हैं, हम परेशान थे। इंशाल्लाह अल्लाह सुभान व तआला की मेहरबानी से करते हैं। इनके जेट भी जो लगे हुए हैं ना, ये जेट बड़ा 150 का होता है, ये भी गलत लगा हुआ है। ये जेट उसने चेंज किया है, पता नहीं कौन सा नंबर लगा हुआ है, नंबर पढ़ा नहीं जा रहा। ये वाला चेंज किया था जेट उसने, ये वाला चेंज किया हुआ है, ये भी चीज़ें चेंज की हैं। अभी खोलते सर्विस करके सारा तो होगा इंशाल्लाह, फिटिंग करते हैं, इसके टैपर भी करते हैं, सारा कंप्लीट कर दें। इसके मैंने टैपर कर दिए हैं, सिर्फ एक टैपर के अंदर फ़र्क था, दो टैपरों के अंदर, बाकी थोड़े थोड़े लूज थे, सारे क्लियर कर दिए हैं इसके। अभी कारपेट इंशाल्लाह करके देते हैं इनको, ये तो सारे कंप्लीट कर दिए हैं। प्लग भी इसके ब्लैक हैं, इसका ये वाला जो सराख है ना, ये वाला पैप, ये वाला ये डिस्ट्रीब्यूटर को एडवांस करता है, इसको भी आपने खोलना है सारा। ये ना हो गया, आप इसको खोलें इधर से, ये देखो, इसके ऊपर हाथ रखना है, इसके ऊपर हाथ रख के आवाज सक करने की हो रही है, जैसे आप एक्सीडेंट देंगे ना, ये गाड़ी को एडवांस कर देगा 10 डिग्री। इसका डिस्ट्रीब्यूटर काफ़ी ज़्यादा आगे गया हुआ, काफ़ी फॉल्ट हैं छोटे छोटे। दूसरे नंबर पे ये वाला रिंग भी डालना है लाजमी आपने, ये स्लो जेट का रिंग होता है, ये नया डालें। अभी इसके मैंने कारपेट का दोनों जेट सही किए हैं, छोटा जेट भी गलत लगा हुआ था, बड़ा भी गलत लगा हुआ था, ये दोनों सेटिंग किए हैं। गाड़ी झटके ले रही है, ब्लैक स्मोक हद से ज़्यादा ब्लैक स्मोक था। ये गाड़ी वैसे ही बदनाम है कि आल्टो बहुत पेट्रोल खाती। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी एवरेज करती है, बड़ी ज़बरदस्त एवरेज इसकी, ये नहीं कि ये बिल्कुल ही पेट्रोल खाएगी, ये 5-6 कर रही थी गाड़ी, 4-5, 5-6, अगर 10-11-12 करे तो किधर एवरेज आती है। लोग भी ये 16-17 करती गाड़ी, ये लोग मैंने की है गाड़ी 16-17 एवरेज है, बड़ी अच्छी एवरेज है, पिकअप अच्छा है इसका, ये माठी गाड़ी नहीं है। अभी मैं इसकी सारी मुकम्मल फिटिंग कर रहा हूँ, ये जेट जुट सारे मैं इसके चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि जेट जापानी रखने पड़ते हैं सेटिंग करने के लिए। मुकम्मल फिटिंग करके मैं गाड़ी स्टार्ट करके फिर आपको चेक करवाता हूँ
इसका प्लंजर भी आप नीचे चेक कर लें, ये वाली बेस के सारे बोल्ट चेक करें, ये वाला इसका हाई का बटन है, ये वाला ये खुलना चाहिए इसका, ये वाला लीवर भी इसको अच्छी तरह वॉश करें, ये वाला लीवर, ये जैसे ही आप एक्सीडेंट इसको खुलना चाहिए, ये भी चेक करें, ये हर चीज़ छोटी छोटी कारपेट करना, सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं तो फिर गाड़ी सेट होती है, वैसे अगर आप नहीं करेंगे तो गाड़ी सेट नहीं होगी आपकी कभी। अभी मैं मुकम्मल करता हूँ फिर आपको चेक करवाता हूँ। इसका ये वाला जो बोल्ट लगा हुआ है, ये नट लगा हुआ है प्लंजर का, अगर आपका प्लंजर कम कर रहा है काम, इसको लूज़ कर दें, थोड़ा ज़्यादा काम करेगा, इसको लूज़ कर देंगे तो हाँ थोड़ा ज़्यादा काम करेगा। जेट इसका 92 का आता है, छोटा 92.5, बड़ा 150 का आता है, 150 का आता है, आपको 150 का जेट मिलेगा ना, उसका साइज़ बनाना पड़ेगा। अगर आपको महसूस हो रहा है आप 92 का लगा रहे हैं, बास गाड़ियों को 95 का लगाना पड़ता है, बास गाड़ियों को 90 का लगाना पड़ता है, बास गाड़ियों को एक दो पॉइंट ऊपर नीचे करने पड़ते हैं, ये आपने खुद चेक करना है, पेट्रोल की एवरेज साफ जी है वो सारा कुछ। अभी मैं इसकी सारी कंप्लीट फिटिंग कर रहा हूँ, काफ़ी डिफॉल्टर गाड़ी थी, इंशाल्लाह मुकम्मल करूँगा, सारी सेटिंग करूँगा, हर चीज़ जेटों के रिंग रूंग ये वाले डालने हैं इनके, ये वाले रिंग भी चेक करने हैं इसके, ये नंबर वाइज ये करें आप, अच्छे सारी फिटिंग करके इनको मुकम्मल करके कारपेट फिट करता हूँ, फिर आपको गाड़ी स्टार्ट करके चेक करवाता हूँ। कारपेट का मुकम्मल फिटिंग आ रही है, सारा मुकम्मल कर दें, सारा कुछ चेक कर मुकम्मल करें, कारपेट लाशा हो गया। माशाल्लाह ठीक है, कारपेट की सेटिंग होगी, सारा स्मूथ है, हर चीज़ इसके वैकम पैप, कारपेट के अंदर फॉल्ट थे छोटे मोटे सारे दूर कर दिए, कारपेट अंदर से चोक था। आप बताएं, आप पीछे गए थे, गाड़ी का धुआं ठीक हो गया जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही है। अब इनको मैं ट्राई दिलवाता हूँ, ये पिक भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह, फ्यूल की एवरेज बेहतर होगी, सबसे मेन चीज़ है कि गाड़ी का चलना बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से। तो गाड़ी कम्प्लीट है, बिल्कुल ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर पेज रफानी ऑटो के नाम से, ओके अल्लाह हाफिज़। एहसान भाई मेरे पास गाड़ी ले गए थे आल्टो, गाड़ी बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक छोड़ी थी, मैंने वीडियो में दिखाया भी है, कारपेट के अंदर छोटे छोटे बहुत से फॉल्ट थे, टैपड़ों के अंदर बिल्कुल मामूली फॉल्ट था, इसके प्लग फुल ब्लैक थे वो भी दिखाया, इंशाल्लाह टाइमिंग के अंदर भी फॉल्ट था। गाड़ी ये खुद ड्राइव कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? एहसान भाई। हाँ जी एहसान भाई, बताएं जरा आप। माशाल्लाह आगे से बहुत ज़्यादा फर्क है गाड़ी चलाने में, ठीक है। ये ना पहले मेरा नहीं ख्याल कि एसी लगा के गाड़ी का पिकअप सही हो या कुछ, अब इंशाल्लाह गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी बेहतर होगी और गाड़ी चलेगी भी बड़ी मज़ेदार इंशाल्लाह ताला। आप मुतमिन हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर मेरा पेज है फनी ऑटो के नाम से, ओके अल्लाह हाफिज़।